अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट 02.0। भाई साहब, तमाम जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपनी अपनी रिटेंशन जो है वो बता दी है, कौन कौन रिलीज हुआ है इस वीडियो में जायजा लेंगे पूरे तरीके से। सब टीमों की जो वो रिटेंशन आ चुकी है, तमाम फ्रेंचाइजीज की रिटेंशन आपके साथ पूरे तरीके से शो कराऊंगा एक ही दफा, एक ही वीडियो के अंदर। भाई साहब, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, सबकी जो है वो एक ही दफा रिटेंशन लेकर आ चुका हूं और पूरे तरीके से जो है वो रिटेंशन लॉक कर दी गई है। और फ्रेंचाइजीज ने अभी से कुछ ही देर पहले, एक घंटा पहले जो है वो रिटेंशन अपनी अपनी जारी कर दी है। रिटेंशन ऑल टीम की बताने से पहले भाई साहब फटाफट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है फटाफट आप सबने ऑल पे कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है वो तमाम PSL की खबरें, न्यूज, अपडेट, फैक्ट जो है वो आपके साथ शेयर करता रहता है। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशन के हवाले से बात की जाए तो प्लैटिनम कैटेगरी में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दो प्लेयरों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिटेन किया है, शादाब खान और आपके जो है वो नसीम शाह यहाँ पर जो है वो रिटेन हो चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इसके अलावा भाई साहब डायमंड कैटेगरी में आजम खान और इमाद वसीम को जो है वो मेंटोर रखा गया, इमाद वसीम और जो है वो आजम खान आपको डायमंड कैटेगरी में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फहीम अशरफ, एलेक्स हेल्स, कॉलिंग मुनरो, रुमान रईस सिल्वर कैटेगरी से। इसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी से यहाँ पर कोई भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर शामिल नहीं है। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है वो रिटेंशन मैंने आपको दिखाई। अब अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं तो अगली टीम हमारे पास रहने वाली है यहाँ पर कराची किंग। कराची किंग ने किन प्लेयरों को भाई साहब रिटेन किया है? सबसे पहले तो इनकी प्लैटिनम कैटेगरी भाई साहब पूरे तरीके से खाली हो चुकी है। यहाँ पर प्लैटिनम कैटेगरी में आपके जो है वो शान मसूद भी नहीं है, शान मसूद को इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रखा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बुरा था शान मसूद को गोल्ड कैटेगरी में आप लेके आए, प्लैटिनम आपकी खाली पड़ी। और कराची किंग भाई साहब देख लेना, दो तीन बार से और एक आध जो बड़ा प्लेयर यहाँ पर प्लैटिनम कैटेगरी में रखेगी वो भाई साहब बड़ा मजा आने वाला है। इसके अलावा भाई साहब डायमंड कैटेगरी में कराची किंग ने जेम विंस हसन अली को रखा है। इसके अलावा भाई साहब गोल्ड कैटेगरी में शान मसूद, शुएब मकसूद और शुएब मलिक और जो है वो तैयब और तबरेज शमसी जो है वो मौजूद है यहाँ पर इनके पास जो है वो आपकी गोल्ड कैटेगरी में बेहतर है गोल्ड कैटेगरी इनकी। इसके अलावा भाई साहब मीर हमजा, मोहम्मद अखलाक, इरफान खान न्याजी जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी में यहाँ पर आ चुके हैं इनके पास। जबरदस्त किया यहाँ पर कराची किंग, अपना नया स्क्वाड बना रही है। और मोहम्मद आमिर रिलीज हो चुके हैं, मोहम्मद आमिर की भाई साहब ट्रेड भी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर मोहम्मद आमिर अब आपको कराची किंग से खेलते हुए नई नजर आने वाले हैं। इन्होंने अपनी रिटेंशन पूरे तरीके से दे दी और प्लैटिनम कैटेगरी में इनका फिल वक्त कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। ये भी ड्राफ्टिंग से जो है वो यहाँ पर प्लैटिनम कैटेगरी में कोई ना कोई बंदा रखेंगे। सही भाई, कराची अपना स्क्वाड बदलने जा रहा है। अगली टीम जो हमारे पास रहने वाली है वो हमारे रहने वाली है लाहौर कलंदर्स। इनका जो है वो जान लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर भाई साहब इन्होंने रिटेन कर लिए हैं यहाँ पर। रिटेंशन इनकी बात करें तो शाहीन शाफरीदी वो वाइड खिलाड़ी जिन्होंने इनको भाई साहब प्लैटिनम कैटेगरी में रखा है यहाँ पर। इसके अलावा भाई साहब डायमंड कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर हारिस रऊफ और डेविड वीसे जो है वो इनके मौजूद हैं। बेहतरीन किया यहाँ पर हारिस रऊफ, डेविड वीसे को। इसके अलावा भाई साहब गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान को जो है वो यहाँ पर गोल्ड कैटेगरी में रखा है। इसके अलावा भाई साहब सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर मिर्जा ताहिर बेग और राशिद खान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस स्क्वाड की सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं भाई साहब, लाहौर कलंदर ने फ़कर जमान को रिलीज कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, फ़कर जमान रिलीज हो चुके हैं। आपको फ़कर जमान क्या पता नहीं नजर आए और क्या पता ये पिक कर लें। हालांकि डायमंड कैटेगरी उनकी बनती थी फ़कर जमान की यहाँ पर प्लैटिनम कैटेगरी में, लेकिन उनको नहीं पिक किया गया, उनको भाई साहब रिलीज कर दिया गया है लाहौर कलंदर की तरफ से। बुरी जो है वो यहाँ पर रिलीज थी, राशिद खान के हवाले से पूरी फिटनेस अभी तक आई नहीं है, लेकिन राशिद खान भी क्या पता खेलने के लिए तैयार हो जाए और पाकिस्तान सुपर लीग आकर जो है वो खेलें। ये थी लाहौर कलंदर की रिटेंशन जो इन्होंने दी, रिलीज भी मैंने आपको बताया। अगली टीम की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगली टीम कौन सी रहने वाली है। अगली टीम हमारी रहने वाली है भाई साहब मुल्तान सुल्तान। भाई साहब पिछले दो जो है वो सेमीफाइनल तक मुल्तान सुल्तान पहुंची है और भाई साहब दोनों में ही हार के वापस जो है वो मुंह देखना पड़ा। इन्होंने भाई साहब किन किन प्लाड़ियों को रिटेन किया यहाँ पर? सबसे पहले नंबर पर प्लैटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा इफ्तखार अहमद आपको जो है प्लैटिनम कैटेगरी में दिखाई देंगे। ये भी भाई साहब एक ओवरसीज यानी कि जो
फॉरिजन प्लेयर है, ये अपना जो है वो पकड़ेंगे, आपकी ड्राफ्टिंग के अंदर से पिक कर लेंगे, कोई भी बड़ा हो या छोटा हो भाई साहब इनके पास ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा खुशदिल शाह डायमंड कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, इसके अलावा उसामा मीर को भी डायमंड कैटेगरी में रखा है, इसके अलावा जो गोल्ड है उसमें भाई साहब सिर्फ और सिर्फ अब्बास अफरीदी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, अब्बास अफरीदी को इन्होंने खाली जो है वो यहाँ पर मौका दिया है। इसके अलावा भाई साहब सिल्वर की बात करें तो एहसानुल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, और भाई साहब आपके आखिरी इमर्जिंग पर भाई साहब फैसल अकरम जिनकी ट्रेड हुई है आज ही के दिन शान मसूद के साथ, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान की यहाँ पर ये रिटेंशन रह चुकी है, पूरे पूरे आठ आठ खिलाड़ी जो है मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो रिटेन हुए हैं। कराची किंग ने भी अपना जो है वो बड़ी रिटेंशन जो है वो जारी की, काफी रिलीज भी की, कराची किंग तो अपना नया स्क्वाड बना रही है। अब अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं तो अगली टीम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है भाई साहब पिशावर जलमी। पिशावर जलमी ने भाई साहब जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया उनमें बाबर आजम, रोमन पॉवेल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं प्लांटिनियम कैटेगरी के अंदर, यानी कि अच्छी जो किया बेहतर था, लेकिन जो आपके रोमन पॉवेल हैं खाली इन्हीं को रखा है, इसके अलावा एक पाकिस्तानी इनके साथ कोई भी मौजूद नहीं है, ये भी जो है वो एक और बंदा ड्राफ्टिंग से पिक करेंगे पिशावर जलमी वाले, इनके पास काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर चांस मौजूद है, अगर कोई इनके पास मेन बॉलर इनका लग गया ड्राफ्टिंग से तो भाई साहब ये उसको पकड़ेंगे। मेन बॉलर कुछ ड्राफ्टिंग में मौजूद हैं, वो एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा कि किस फ्रेंचाइज की किसके ऊपर जो है वो नजरें जा रही हैं ड्राफ्टिंग के अंदर, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, सब कुछ जो तुम्हारा भाई लेके आएगा, आप सबने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके अलावा सैम अयूब, टॉम कूलर, कैडमोर जो है वो यहाँ पर इनके मौजूद हैं डायमंड कैटेगरी में, बेहतरीन है सैम अयूब को दोबारा से अपनी टीम में वापस रखना भाई, जबरदस्त बैटिंग स्किल सैम अयूब की, पिछले साल तकरीबन 350 रन से जो वो सैम अयूब ने अबव किए थे, जबरदस्त कारकर्दगी टॉम कूलर कैडमोर पिछले साल, जबरदस्त परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर में आकर। इसके अलावा भाई साहब जो सिल्वर कैटेगरी है वहाँ पर जो है वो कुरम शहजाद, हसीब उल्ला खान जो है वो इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल हैं, जबरदस्त रिटेंशन जो है वो यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा अब आखिरी फ्रेंचाइज की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास रहने वाली है क्वेटा ग्लेडिएटर, दी ग्लेडिएटर भाई साहब काफ़ी अरसे से इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कोच बदल दिया अपना और परफॉर्मेंस हो सकता है कि इनकी भी बहाल हो सकती है। रायली रूसो इनके पास मौजूद हैं, खाली एक लौता प्लेयर है रायली रूसो जो कि प्लांटिनियम कैटेगरी में मौजूद हैं, इनके पास भी भाई साहब एक जो फॉरिजन प्लेयर यहाँ से प्लांटिनियम कैटेगरी में पकड़ सकते हैं और एक पाकिस्तानी प्लेयर कोई भी प्लांटिनियम कैटेगरी में जो है वो ड्राफ्टिंग से ये लेकर आ सकते हैं, इनके पास भी अच्छी पिक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा भाई मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो यहाँ पर इन्होंने रखा है डायमंड कैटेगरी में, इसके अलावा जेसन रॉय, वनिंदु हसारंगे को इन्होंने दोबारा से अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जबरदस्त भी किया, स्पिनर का अटैक भी आपके पास बन गया। इसके अलावा भाई साहब मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और सरफराज अहमद भाई साहब सिल्वर कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, बल्कि गोल्ड कैटेगरी में जो है वो इनको रखा गया है, और सबसे आखिर जो है वो विल समित को खाली यहाँ पर रखा है इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में, और इनका इमर्जिंग के अंदर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बेहतरीन रिटेंशन है भाई साहब सब टीमों की, हर ने अपना अपना जो है वो माइंड बनाया इन्होंने जो भी रिटेंशन किए, तो मैंने आपको जो वो रिटेंशन पूरे तरीके से बतानी थी, ये रिटेंशन थी भाई, रिलीजेज मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पर क्वेटा ग्लेडिएटर ने उमर अकमल को भी रिलीज़ किया है, इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ भी जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं, बड़ी रिलीजेज ये मैंने आपको सुबह ही मैंने बता दिए थे कि भाई क्वेटा ग्लेडिएटर दो को रिलीज़ करेगी और मोहम्मद आमिर को कराची किंग रिलीज़ कर देगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्ट बेहतरीन जा रही है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर, पूरे यूट्यूब के ऊपर जो मैं प्रेडिक्ट करके लेके आ रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर निकल के जा रही है मेरी प्रेडिक्टें। भाई साहब ये रिटेंशन मैंने आप सबको दिखा दी है, अब अलहदा अलहदा भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि यहाँ पर जो है वो इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, ड्राफ्टिंग से कौन सा जो है वो यहाँ पर लड़का पिक करें, और पूरे पूरे स्क्वाड भी जो है मैं आपको समझाऊँगा अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को फटाफट लाइक कर लें, चैनल और सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट पीएसएल की धुआंधार अपडेट के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।